सो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर आपका बजट है 20,000, ढूंढ रहे हैं बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन 20,000 के अंदर, तो भैया जी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा कंपैरिजन, काफी ज्यादा माथापच्ची, काफी ज्यादा यहाँ पे भैया जी आरएनडी करने के बाद आपके लिए लाया हूँ ये वीडियो। बताऊंगा आपको कि 20,000 के अंदर आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन का कैमरा एकदम धासू टॉप लेवल का हो सकता है। तो भैया वीडियो को देखना और मजा आए तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे पांचवें नंबर पे आते हैं हमारे MI 10i 5G। और भैया जी ये फ़ोन मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि यहाँ पे कई लोगों को चुल रहती है 5G फ़ोन लेने का, 5G। अब 5G फ़ोन इंडिया में आया नहीं 2 साल तक, कोई मतलब अभी अता पता नहीं है आएगा भी नहीं आएगा। और भैया जी मतलब तो लो ये फ़ोन 5G है और कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है इसका। 108 मेगापिक्सल्स का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और यहाँ पे मेन कैमरा दिया गया 108 मेगापिक्सल्स का, जो कि सैमसंग का HM2 सेंसर है। और भैया जी सैमसंग के बारे में बता दूं आपको कि ये सेंसर सैमसंग की तरफ से आने वाला काफ़ी अच्छा सेंसर है और काफ़ी बढ़िया इमेज क्वालिटी, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इमेज वगैरह क्लिक करके देगा आपको, चाहे आप बात करेंगे लो लाइटनिंग की, चाहे आप बात करेंगे डे लाइटनिंग की, ये सेंसर इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और वैसे भी यहाँ पे सेंसर ही सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि भैया आपका कैमरा कैसी फोटो क्लिक करेगा। 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है और 2+2 मेगापिक्सल्स का कैमरा दिया गया है, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम का, किसी भी काम का नहीं है। बेसिकली यहाँ पे माइक्रो शॉट्स और डेप्थ कैमरा इतने ज़्यादा काम के नहीं आते, मैंने बता रखा है आपको, बट यहाँ पे मेन कैमरा सैमसंग का HM2 सेंसर काफ़ी बढ़िया इमेज क्वालिटी आपको निकाल के देगा। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 750G मिलता है, 5G प्रोसेसर है, 16 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप 30 FPS पे, और यहाँ पे भैया जी 1080 पे 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। 6GB और 128GB वाला जो वेरियंट है, यहाँ पर आपको 22,000 के आसपास मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि भैया जी आपने बोला है कि 20,000 के अंदर, तो मैं बता दूं आपको यहाँ पे मेरे इस लिस्ट में टॉप 5 में यहाँ पे 2-3 फ़ोन ऐसे हैं जिन पे कि जो 20,000 से ऊपर हैं एक्चुअली में, बट यहाँ पे उन पे काफ़ी ज़्यादा अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ऑफ़र वगैरह चलते रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको वो 20,000 तक आराम से मिल जाएंगे। इसीलिए इन सारे ही फ़ोनों को भी मैंने लिस्ट में ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे आते हैं हमारे सैमसंग के M51। और भैया जी ये फ़ोन मतलब फ़ोन भी है और इन्वर्टर भी है, क्योंकि इसमें आपको मिलती है 7000 mAh की पावरफुल वर्ल्ड्स बिगेस्ट बैटरी इन स्मार्टफोन। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल्स का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, और 64 मेगापिक्सल्स मतलब ये नहीं कि आप 108 से कंपेयर करो इसको, मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता रखा है, वीडियो मैंने बना रखी है इसके ऊपर कि मेगापिक्सल्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, समझे आप। तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल्स का मेन सेंसर है, काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्लिक करके देगा आपको, और यहाँ पे भैया जी डेप्थ सेंसर और मैक्रो के लिए 5+5 मेगापिक्सल्स का कैमरा दिया गया है, जो कि भैया कुछ तो कुछ काम का आ ही जाएगा। स्नैपड्रैगन 730G मिलता है आपको, और काफ़ी डिसेंट और काफ़ी बढ़िया सा प्रोसेसर है, थोड़ी बड़ा गेमिंग करना चाहे तो गेमिंग भी कर लेंगे। वैसे यार गेमिंग की बात क्यों कर रहे हैं, तो कैमरा की वीडियो है ना। हाँ, तो कैमरा काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मस्त क्वालिटी देगा आपको, और यहाँ पे बस इतनी सी कमी है इस फ़ोन में कि आपको यहाँ पे 30 FPS का ही ऑप्शन मिलता है, 60 FPS का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता। और एक्चुअली बताऊँ आपको, देखो तो यहाँ पे 60 FPS का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, 30 FPS यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, 30 FPS आप 4K 108K में वीडियो आराम से रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो भैया जी मतलब कैमरा फीचर काफ़ी बढ़िया बढ़िया है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, और भैया जी आपको पता ही है कि सैमसंग की डिस्प्ले हमेशा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मस्त होती है। 32 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, और यहाँ पे 32 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा आपको फ्लैगशिप फ़ोनों में मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और इसकी सेल्फी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और भैया जी इस फ़ोन की खास बात यह है कि इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी नहीं बैटरा मिलता है, और यहाँ पे ये फ़ोन भी आपको 20,000 के अंदर आपको अमेजोन पे ये कम रेट है, फ्लिपकार्ट पे इसका रेट ज़्यादा है मैंने चेक किया था। और यहाँ पे कई सारे फ़ोन ऐसे हैं कि उसका रेट अमेजोन पे कम है फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा है, और कई सारे फ़ोन ऐसे भी हैं कि फ़्लिपकार्ट पे कम है अमेजोन पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे मतलब आप चेक कर लेना, जो भी मेरे को फ़ोनों की बेस्ट डील मिलेगी मैं ट्राई करूँगा कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके आप चेकआउट कर लेना। थर्ड फ़ोन की बात करें तो यहाँ पे आते हैं अद्धा, मतलब फ़ोन का नाम अद्धा नहीं है,
मतलब यहाँ पे अगर आपको थोड़ा भारी फ़ोन, थोड़ा सा मतलब बड़े साइज़ का फ़ोन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट है। और मैं बात कर रहा हूँ मोटो जी 60 की। थोड़ा सा फ़ोन साइज़ में बड़ा है बट यहाँ पे कैमरा काफ़ी बढ़िया है। 108 मेगापिक्सल्स का HM2 सेंसर मिलता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप। अब आप बोलेंगे कि भाई साहब HM2 सेंसर तो आपका MI 10i में था तो क्या मतलब पिक्चर क्वालिटी सेम होगी? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने बताया है आपको पहले, इसके ऊपर वीडियो बना रखी है हमने, कि इतना ज़्यादा मेगापिक्सल मैटर नहीं करता। इमेज प्रोसेसिंग भी हर फ़ोन की अलग अलग होती है, सॉफ्टवेयर भी मैटर करता है। और भैया जी यहाँ पे कैमरा क्वालिटी ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे HM2 का दूसरा वर्जन यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे भैया जी कैमरा क्वालिटी आपकी इस फ़ोन के साथ एकदम ज़बरदस्त और मस्त होने वाली है। स्नैपड्रैगन 732G मिलता है, तो मतलब यहाँ पे प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया डिसेंट सा है। 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, 2 मेगापिक्सल्स का बिना किसी काम के आने वाला कैमरा दिया गया है। बट यहाँ पे हाँ, जो मेन कैमरा सेंसर है वो काफ़ी बढ़िया है। 120 हर्ट्ज़ का फुल HD डिस्प्ले मिलता है, तो मतलब डिस्प्ले भी काफ़ी बढ़िया है। 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिलती है, तो भैया जी बैटरी भी काफ़ी बढ़िया है। इस फ़ोन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल्स का कैमरा मिलता है। और यहाँ पे आप हमारे लिस्ट में, टॉप 5 की लिस्ट में, यही एकमात्र ऐसा फ़ोन है कि यहाँ पे आप 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा से भी और 4K रिकॉर्डिंग बैक कैमरा से भी कर पाएंगे 30 FPS के साथ। तो मतलब छपरा और छपरियो, अगर आप ड्यू रिस्पेक्ट छपरा और छपरी, अगर आपको रील्स बनाने का ज़्यादा मतलब यहाँ पे यूज रहता है फ्रंट कैमरा का, तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग मिलती है। और मतलब देखो, यहाँ पे हर रील्स बनाने वाले छपरा छपरी निग्गा निग्गी नहीं होते हैं। आपको पता है कि मैं यहाँ पे किसको बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे रिस्पेक्ट। आपको भैया जी बिना किसी ऐड के UI चाहिए, मतलब क्लीन एंड्रॉयड बिना किसी फालतू की ऐड की, बिना किसी फालतू के माथा पच्ची की, तो यहाँ पे भैया जी इस फ़ोन का स्टॉक एंड्रॉयड जो UI है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त है। और मतलब इस मामले में ना ये फ़ोन तो काफ़ी बढ़िया है और कैमरा भी इसका काफ़ी ज़्यादा मस्त है। तो अब बात करते हैं हमारे सेकंड नंबर की फ़ोन की, और यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट, अगर आपको फर्स्ट वाला फ़ोन मिल जाए तो आपको ज़्यादा बढ़िया है, मगर आपको सेकंड वाला फ़ोन मिल जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मैं बताऊँगा आगे वीडियो में क्यों। अब बात करते हैं Redmi Note 10 Pro Max की, जो कि सेकंड नंबर पे आता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रो की और प्रो मैक्स की, चाहे आपको दोनों मिल जाए दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, पर यहाँ मैं बात करूँगा प्रो मैक्स की। पता है क्यों? आपको अगर प्रो मिल जाए ना कमेंट करना हमें भी चाहिए, मिलेगा ही नहीं आपको। तो यहाँ पे भैया जी मैक्स की बात कर रहा हूँ मैं। 108 मेगापिक्सल्स का क्वाड कैमरा सेटअप दिया है और सैमसंग का ही सेंसर यहाँ पे भी यूज़ किया गया है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी इमेज आती है, काफ़ी कलर वगैरह मस्त होते हैं, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, प्लस 5 मेगापिक्सल्स का और प्लस 2 मेगापिक्सल्स का कैमरा मिलता है मैक्रो और डेप्थ। स्नैपड्रैगन 732G मिलता है, और मतलब यहाँ पे काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर भी दिया गया है। 120 हर्ट्ज़ की सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, मतलब डिस्प्ले बेस्ट और कैमरा बेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। क्योंकि अगर आप कोई भी इमेज देखेंगे सुपर एमोलेड में तो आपको वो अच्छी लगती है और बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है और कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर भी आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS के साथ, और भैया जी 1080 पर आप मतलब यहाँ पे फुल HD में 60 FPS की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे भैया जी कैमरा में फीचर भी काफ़ी ज़्यादा बेटर दिए हुए हैं। बट यहाँ पे दिक्कत इतनी सी है कि अगर आपको फ़ोन में ज़्यादा यूज़ रहता है सेल्फ़ी कैमरे का, तो यहाँ पे इसकी सेल्फ़ी बहुत ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। सेल्फ़ी मतलब यहाँ पे सेल्फ़ी कैमरा फ्रंट कैमरा कोई बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे ख़ास नहीं है। मतलब यहाँ पे कभी कभार फ़ोटो ज़्यादा एक्सपोज आती है, कलर बैलेंस सही से कर नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा डल फोटो आती है। तो यहाँ पे सेल्फ़ी इसकी बेकार है फ्रंट कैमरा। बट यहाँ पे हाँ, बैक कैमरा रियर कैमरा इसका 108 मेगापिक्सल का सैमसंग का काफ़ी बढ़िया कैमरा है। तो यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट नंबर के फ़ोन की। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको सेकंड वाला भी फर्स्ट है और फर्स्ट वाला भी फर्स्ट है, क्योंकि देखो जो ये वाला हमारा फर्स्ट वाला फ़ोन है सैमसंग का F62 कैमरा के मामले में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बट यहाँ पे बात आती है इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस जो है 6GB 128GB के साथ
वो मिलता है आपको 23-24 हज़ार के आसपास। बट यहाँ पे बट बहुत ज़्यादा चांस है कि ये फ़ोन आपको ऑफ़र में 20 हज़ार, मतलब यहाँ पे कभी कभार तो 20 हज़ार से भी कम, मतलब यहाँ पे 17 हज़ार में भी आपको मिलने की बहुत ज़्यादा चांस है। और यहाँ पे मैंने भैया बताऊँ तो ये फ़ोन 30,000 तक के फ़ोनों को टक्कर देता है कैमरा के मामले में। मैंने इसके ऊपर कंपैरिजन की वीडियो बना रखी है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना चाहो तो चेकआउट कर लेना। और यहाँ पे मैं बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा इस फ़ोन के ऊपर ऑफ़र चलते रहते हैं, तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करना, थोड़ा सा मथापच्ची करना, थोड़ा सा हाथ पांव मारना और इसी फ़ोन को लेना। 20 हज़ार के से भी कम प्राइस में आपको ये मिल सकता है, मगर इसका एक्चुअल प्राइस 22-23 हज़ार के आसपास का है। तो यहाँ पे अगर आपको मिल जाए सैमसंग F62 तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बढ़िया है। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम इतनी सी है कि यहाँ पे आपको 60 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता, और यहाँ पे वैसे भी 60 FPS का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता मतलब यहाँ पे। और आप मुझे ना कमेंट करना एक्चुअली कि 60 FPS का मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि आप नहीं करते हैं। बाकी फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आती हैं, काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस है, काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र है, कलर बैलेंस यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रखा है। लाइट लो लाइटनिंग की बात करें तो उसमें भी काफ़ी डिसेंट सी फ़ोटो ले लेता है। तो यहाँ पे ओवरऑल भाई साहब फर्स्ट नंबर का फ़ोन सैमसंग F62 बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस पे दबा के ऑफ़र चलते हैं और जो भी बेस्ट डील की लिंक मुझे मिलेगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मतलब कहाँ तक तारीफ़ करें यहाँ पे भैया जी, प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दिया गया है Exynos 9825। तो मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और यहाँ पे एक ख़ास बात और है कि यहाँ पे आपको प्रो वीडियो का ऑप्शन मिलता है इस फ़ोन में, जो कि आपको और किसी फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको भैया जी फीचर्स भर भर के दिए हैं, बस कमी इतनी सी है कि आपको 60 FPS नहीं मिलेगा। बाकी आप 4K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पे। 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है और अल्ट्रा वाइड कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करता है कलर बैलेंस, ब्राइटनेस, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इमेज क्लिक करके आपको देगा। और यहाँ पे 2 और 2 नहीं 5 और 5 का कॉम्बिनेशन दिया गया है कैमरे का, डेप्थ और मैक्रो का। और सबसे बड़ी खास बात कि इसमें आपको एक बड़ी सी 7000 mAh की इन्वर्टर मिलता है, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी बात है बैटरी के मामले में। तो भैया जी कमेंट करके बताना कि आपको पांचों ही फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। और मैं बताऊं पर्सनली तो यहाँ पे पूरी कोशिश करना कि आपको F62 मिल जाए। और अब आप एक काम कीजिए, हमारे पे एहसान कीजिए, ऐसी और हमारी और आपकी मुलाकातें बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मौज कीजिए।